हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आज मैं बनाने जा रही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसे हर कोई पसंद करेगा, जिसका नाम है कटोरी चाट। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम बोल में डालते हैं मैदा, सूजी भी डाल देते हैं। सूजी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं 3/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन और 2 से 3 चम्मच तेल, और सभी को एक बार अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं ये आसानी से बंध जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें तेल बिल्कुल ठीक है। और अब इसमें हम डालते हैं पानी, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने मैदा का बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लिया है। हमें इस तरीके की सॉफ्टनेस चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसे हम ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। 20 मिनट हो गया है, चलिए अब हम आटे को खोलकर देखते हैं। ये जो आटा है वो पूरी तरीके से सेट हो गया है और अब हम इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इसे 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और चलिए अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। बेलने के लिए मैंने लिया एक लोई और इसे हाथों में बिल्कुल अच्छी तरीके से हम रोल कर लेते हैं, और इसे हम ना तो बहुत पतला बेलेंगे और ना बहुत मोटा। तो इस तरीके से मैंने बेल लिया है और अब हम फोक से इसमें छेद कर देते हैं, जिससे कि ये फूलने ना पाए। और हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कटोरी चाट, तो मैंने यहाँ पे लिया है ये कटोरी और इसे हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हम हाथ में लेते हैं ऑयल और कटोरी के चारों ओर और नीचे हम ऑयल लगा देंगे, और अब हम कटोरी को सेंटर में रखते हैं और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है चारों तरफ से। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपका लिया है और चलिए अब इसे हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने लिया है यहाँ तेल, और तेल को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं कटोरी और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आप एक बार में 2 कटोरियाँ बना सकते हैं, यदि पैन बड़ा है तो आप कई कटोरियाँ बना सकते हैं। मैं अभी एक ही बना रही हूँ। कटोरी के अंदर भी हम तेल डालते जाएंगे, जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा कटोरी निकल जाएगी आराम से। तो हम लेते हैं सरसी और इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे हम पलट पलट कर बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये कटोरी बिल्कुल फ्राई हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं, हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और सेम ही तरीके से बाकी सभी लोइयों को बेलकर हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 कटोरी बनाकर तैयार कर लिया है और अब चलिए इसके हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। चाट बनाने के लिए हम लेते हैं 1 कटोरी और इसमें हम डालेंगे स्प्राउट्स, उबले हुए आलू, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक थोड़ा सा, और फिर इसके ऊपर हम डालते हैं हरी चटनी, इमली की चटनी। हरी चटनी और इमली की चटनी कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर इसमें हम डालते हैं दही, थोड़े से प्याज, टमाटर,
कॉर्न्स भी डाल देते हैं और ऊपर से हम फिर से थोड़े से काला नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और सेब डालेंगे और धनिया की पत्ती से गार्निश करके हम इसे सर्व करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कटोरी चाट बिल्कुल बनकर तैयार है और बाकी बची हुई कटोरियों के भी हम ऐसे ही चाट बना लेंगे। और आप चाहें तो ये फ्राइड कटोरी को स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाट बनाना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।